गुड मॉर्निंग एंड राम राम टू ऑल माय फैमिली। तो भाई सुबह हो चुकी है, बहुत बढ़िया सनराइज हो गया यार। ये देखो सामने बिल्कुल बढ़िया नज़ारा है भाई। और जस्ट अभी ये अपना रोड के बिल्कुल पास ही थी भाई ये प्रॉपर्टी। अभी उठे ही थे भाई, जस्ट फ्रेश फ्रेश होके रेडी हो रहे हैं। और आज का सीन कुछ ऐसा रहने वाला है भाई। आज हम लोग जा रहे हैं अभी स्पेशल जगह, स्पेशल बंदे के पास। वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जाएंगे हरिद्वार। तो आज का जो नहाने का सीन है भाई वो हरिद्वार में। तो चेंज वेंज कर लिए हैं कपड़े, बाकी नहाएंगे धोएंगे हरिद्वार में भाई। हर की पौड़ी पे चलेंगे और वहीं नहाने का प्रोग्राम है अपना आज का। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से, होटल से कर रहे हैं चेकआउट और चल रहे हैं अभी देहरादून में ही जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं वो आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो चलते भाई यहाँ से। तो भाई अपना हम लोग आगे हैं अब चाणक्य डिफेंस एकेडमी, ये दिख रहा होगा आपको सामने ये ना। और यहाँ क्यों आए हैं वो आपको भाई अभी थोड़ी देर में रीजन पता चल जाएगा। बाकी ये देहरादून में ही है भाई डिफेंस एकेडमी। अभी पहले एक बार गाड़ी जरा मैं पार्क कर देता हूँ यहाँ साइड में और फिर अंदर चलते हैं जरा। तो भाई यहाँ आने का ये रीजन था, हम लेने आए हुए थे आज गप्पू को। हाय गाइस। और भाई की आज छुट्टी हुई है। ये है देहरादून चाणक्य एकेडमी और देख लो कितने बंदे आए हुए हैं। मम्मी पापा चाचा और पीछे देखो भाई दादी भी। दादी बोलो। तो गप्पू को लेने आए थे भाई और अब जा रहा है भाई छुट्टी। कन्नू भाई पूरी फील ले रहे हैं फौजी वाली। तो गप्पू को लेके और भाई अब जा रहे हैं दिल्ली वापसी। बाकी अभी कहीं और घुमाएगा तो गप्पू देखते हैं भाई कहाँ घुमाएगा। अब कहाँ चलना है देखो बताओ। देहरादून वासी। तो हरिद्वार का प्रोग्राम है भाई फिलहाल, तो हरिद्वार जाएंगे हम लोग। अभी सामान वगैरह रख लें एक बार और हरिद्वार नहा धो के और फिर अपना घर की तरफ चलेंगे भाई। बाकी एकेडमी बहुत बढ़िया है भाई, किसी भाई को अपने बच्चे को कराना हो ना भाई तो कैसा रिव्यू है एक बार गप्पू से ही पूछ लेते हैं। बहुत बढ़िया है, पढ़ाई के लिए बेस्ट है, एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल सकता है अगर आप एकदम डेडिकेटेड बंदे हो तो। मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है, आप कृपया आए अपने बच्चे को लाए। थैंक यू रिकमेंडेड जब है जब 13 हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब मेरा तो हो ही जाएगा, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो भाई अभी यहाँ से कर रहा है अपना छोटा भाई ये गप्पू डिफेंस की तैयारी और देखते हैं गप्पू क्लियर कर पाता है नहीं, बाकी हमें बहुत उम्मीदें हैं इससे। ये इसका वेट कितना तोड़ लिया तूने एक साल में? मेरा पहले 64 था। हाँ। अभी मेरा 53.9 कुछ है, तो ऑलमोस्ट 10-11 किलो वेट इसका टूट चुका है भाई यहाँ। तो मतलब रिजल्ट हमें तो लग रहा है कि आ रहा है और होपफुली भाई एग्जाम भी अच्छा क्लियर करेगा और जल्दी करेगा। तेरा नहीं होगा, तू ऐसे ही रहेगा। मजे ले तू मेरे साथ गुफ्तार है। चलो भाई तो अब यहाँ से चलते हैं और हरिद्वार पहले नहाते हैं भाई, अर्की पौड़ी पे लगाएंगे डुबकी। So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. और भाई हरिद्वार पहुंच गए यार अब और नहाने का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल अपना ये हर की पौड़ी है भाई घंटाघर, इसके सामने आए हैं। और अभी फिलहाल मैंने गप्पू को और भाई कन्नू को भेज दिया नहाने के लिए, ये गए हुए दोनों के दोनों। एक बार ये नहाए भाई बच्चे, फिर मैं जाऊंगा उसके बाद नहाने के लिए। और आराम से भाई यहाँ आधा पौना घंटा हर की पौड़ी पे गंगा जी में लेटेंगे भाई। बाकी भीड़ बहुत है यार, आज वीकेंड है ना तो उस वजह से काफी क्राउड है यहाँ पे। और इतना तो चाहिए भी भाई, हरिद्वार में आए हो तो इतना क्राउड तो होना भी चाहिए, जब ही मजा है। पानी भाई देखो जल बिल्कुल नीला है जल, और भाव भी अच्छा खासा है वो इस टाइम तो ना बढ़िया।
कुछ किया लगा रहे हैं और इसी तरह इतने मजे के साथ ना रहे हैं कि हम क्या बताएं। बस बोलो गंगे मैया की जय। और भाई ये देखो ये लेडीज कूदने के लिए तैयार है पुल पे से। देखो भाई यहाँ खड़े हम ऊपर पुल पे। ये कूद की भाई लेडीज भी यहाँ से। अंकल जी ने जोश दिलाई दिया नुगा कूद 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 आ दी भाई। A few moments later. तो भाई अपना हरिद्वार से नहा धो के बढ़िया खूब छिक्के नहाए हैं भाई तीनों भाई और निकल लिए हम घर की तरफ। काफी टाइम लग गया पता नहीं चला यार, 1.5-2 घंटे नहा लिए हम लोग। मतलब पानी तो नो डाउट बहुत ठंडा था, एक बार तो पैर रखते ही भाई सारे ना बड़े शरीर के अंग से खुल जाते सारे। तो बाकी टाइम ठीक था भी, शाम के मतलब 4 बजने वाले हैं तो ठीक ही है। धूप थी हल्की फुल्की, नहाने में मज़ा आ गया। बाकी अब निकल लिए भाई दिल्ली के लिए और 4-5 घंटे का अपना सफ़र है घर तक का। बाकी चलते हैं भाई और घर पहुँचते हैं। और भाई अपना इस व्लॉग को करते भाई यहीं एंड, सीरीज अपनी ख़त्म होती है भाई। ये मिनी सीरीज थी, एक वीकेंड गेटवे टाइप था अपना ये। तो बताना दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको ये जगह कनाताल बेसिकली हमने जाना था इसमें तो कैसी लगी वो। और जो हमने थोड़े बहुत एक वाटरफॉल जो कल लास्ट व्लॉग में हमने एक्सप्लोर करा भाई वो भी अल्टीमेट लोकेशन थी। तो ये सब चीज़ें भाई बताना आप लोगों को कैसी लगी। और ऐसी और इंटरेस्टिंग और नई नई जगह देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक शेयर कर दो भाई दबा के, अपने भाई को खूब प्यार दो भाई ताकि हमारा भी भाई कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता रहे अप होता रहे। तो मिलते भाई फिर किसी नए सीरीज में नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड